एनवायरनमेंट डे की मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस वर्ष जो थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का वह है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता, लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। इसके लिए आज दुनिया के 8 बिलियन नागरिक आवर लैंड आवर फ्यूचर, हमारी ज़मीन हमारा भविष्य के नारे के साथ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की वजह से जमीन के क्षरण या डिग्रेडेशन को रिस्टोर करने का आज संकल्प ले रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के रिसर्च के मुताबिक हमारी पृथ्वी के बड़े हिस्से का क्षरण हो चुका है, जो सीधे तौर पर दुनिया की बहुत बड़ी आबादी के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। यही नहीं, इसका आर्थिक नुकसान सबसे ज़्यादा है और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस डिग्रेडेशन की वजह से $44 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। मित्रों, जम्मू कश्मीर ऐसे हिमालयन क्षेत्र में आता है जिसके बारे में भूवैज्ञानिकों, एनवायरनमेंट साइंटिस्ट सबका कहना है कि अब यह क्लाइमेट चेंज की चपेट में है और यह स्थिति बहुत नाजुक है। देश के अन्य भागों से भले ही हम बेहतर स्थिति में हों, लेकिन उस स्थिति को बनाए रखने की चुनौती भी बड़ी है। इसलिए लैंड रेस्टोरेशन और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का अभियान ये निरंतर चलते रहना चाहिए ताकि आदत बनकर हमारी जीवन शैली में, नित्य के जीवन में शामिल हो जाए। मैं आज इस अवसर पर ये भी कहना चाहूँगा कि सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकना, ग्रीन कवर को लगातार बढ़ाना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि ये सार्वजनिक लक्ष्य होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता लैंड रेस्टोरेशन के अभियान को भी मजबूत बनाएगी, जिससे ड्राउट की घटनाओं को नियंत्रित करने में हमें सफलता मिलेगी। विश्व के सभी देशों ने मिलकर एक और निर्णय लिया है कि लगभग 1 बिलियन हेक्टेयर लैंड को आने वाले समय में रिस्टोर किया जाएगा। यह लगभग चीन के भौगोलिक क्षेत्र के बराबर होगा। अगर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सभी देश सफल होते हैं तो आने वाले भविष्य में करोड़ों नागरिकों के लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी को हम संतुलित कर सकेंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की अनंत शुभकामनाएं देता हूं और मंजूर साहब ने अभी कुछ बातें कही हैं। हमारी सेक्रेटरी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट और बाकी प्रशासन के हमारे साथी हैं, उनको बताया गया है। मैं आश्वस्त करता हूं कि इसमें प्रशासन भी आगे बढ़ चढ़ करके, चाहे उसके रखरखाव की बात हो या आगे आने वाले दिनों में इसे और कैसे बेहतर किया जाए, प्रशासन भी पूरी तरह से आप सबके साथ काम करके इसे आगे बढ़ाएगा।